हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकांक्षा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने ज़ीरो ऑयल वेजिटेबल सूप की रेसिपी लाई हूँ। इसको बनाना बहुत इजी है, ये बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है एंड विटामिन से भरपूर होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने गैस का फ्लेम ऑन करके उस पर कुकर चढ़ा लिया है। इस पर हम ऑयल का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। तो मैंने इसमें चार मीडियम साइज टमाटर को काट लिया है, इसको आप इसमें ऐड कर लीजिए। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी एक मीडियम साइज प्याज, 10 गार्लिक, कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च, गोभी यानी कॉलीफ्लावर, 1 कैरेट यानी गाजर, ये इस पे डाल दीजिए। आप चाहें तो उसमें और वेजीज भी ऐड कर सकते हैं, लाइक बीन्स एंड कॉर्न्स, मतलब आप अपने मन से कोई भी वेजीज इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने इस पे की इंग्रेडिएंट है इसका अरहर की दाल यानी तूर दाल। मैंने इस चम्मच से इसको नापा है, सिर्फ एक चम्मच ही डालना है आपको, ज़्यादा दाल नहीं डालनी है। इससे इसका जो फ्लेवर है वो एकदम एनहांस होके आता है और बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आता है और बहुत ही बढ़िया ये जो सूप की रेसिपी है बनती है। ये खुद ट्राई एंड टेस्टेड है, एक बार आप ज़रूर इसको बनाइएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। इसको मिक्स कर लीजिए। अब मैं इसमें डालूंगी 1.5 ग्लास के अबाउट, इसमें मैं वाटर ऐड कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कि ऑयल का यूज़ नहीं हुआ है। अगर आप यहाँ पे ग्रीन चिलीज डालना चाहते हैं तो आप वो भी इस पे डाल सकते हैं। मैं इसमें आधा छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ यानी ब्लैक पेपर पाउडर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक यानी सॉल्ट, वो आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैं 1.5 टीस्पून इस पे सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। गिव इट अ गुड मिक्स। अब इसको थोड़ा सा सोर एंड टैंगी फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें आधा छोटी चम्मच चीनी डाल रही हूँ। इससे जो फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़िया आएगा, एकदम आपको चटपटा फ्लेवर लगेगा। आप चिली फ्लेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं इसको और अच्छा फ्लेवर देने के लिए। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए एक बार। अब इस पर आप इसका लिड जो है वो बंद कर दीजिए और इस पर आप 3 विसल आने दीजिए। 3 विसल आने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। प्रेशर निकल चुका है, अब हम इसका लिड खोलते हैं। वाओ, इट्स एरोमेटिक। अब हम इसको एक स्टेनर से छान लेंगे। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है दोस्तों। काश मैं आपको कोई ऐसा मेथड होता कि मैं आपको स्मेल करवा पाती कि कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। तो देखिए, मैंने स्टेनर से जो है वो सूप वेजिटेबल स्टॉक जो अलग निकाल लिया है यानी सूप का जो रस है वो अलग निकाल लिया और वेजीज इस तरीके से मैंने स्ट्रेन कर ली हैं। अब हम इस वेजीज को है वो मिक्सर में हमें ब्लेंड करना है। ये देखिए, अगर आप ऐसे भी इसको टेस्ट करेंगे ना आपको मज़ा आ जाएगा। तो मैंने ब्लेंडर पे ये सारी वेजीज को डाल दिया है। थोड़ा सा ठंडा होने दीजिएगा आप, मैं एकदम से गरम गरम ही डाल रही हूँ, पर आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। इसके बाद मैं इसमें लिड लगा के अब इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करने के बाद मैंने एक कढ़ाई चढ़ा ली है और जो ब्लेंड किया हुआ है उसको मैं फिर स्ट्रेनर में डालूँगी और इसको फिर एक स्पून डाल के आप जो इसका रस है वो हम निकाल लेंगे और जो इसका वेस्ट है वो स्ट्रेनर में आ जाएगा। गैस का फ्लेम यहाँ पर मीडियम रखिएगा, एकदम स्लो मीडियम, वरना जल जाएगा। ये सारा मैंने जो है इसको छान लिया है, ऑलमोस्ट हो गया है। जो टमाटर के बीज हैं और वेस्टेज है वो सारा स्ट्रेनर में आ गया है। इसको हिला लीजिए और जो हमारा वेजिटेबल स्टॉक बचा है उसको भी हम इसी पे मिला लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए दोस्तों। वेरी एरोमेटिक। देखिए कितना बढ़िया सूप बन के रेडी हुआ है। अगर किसी को थ्रोट इन्फेक्शन है या कफ एंड कोल्ड है उसके लिए तो ये रामबाण होगा। बहुत बढ़िया बना हुआ है। अब देखिए मैं इसमें कितना थोड़ा सा बटर डाल रही हूँ, थोड़ा इसको अच्छा फ्लेवर देने के लिए। लिटिल बटर डजंट हार्म। तो इसको हल्के से मिला लीजिए। हमारा सूप भी बन के रेडी हो चुका है, बस इसको एक बॉईल आने का वेट है। बॉईल आ चुका है, सूप को बंद कर दीजिए। अब आइए इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो मेरा यमी ज़ीरो ऑयल वेजिटेबल सूप बन के रेडी हो चुका है। इस रेसिपी को एक बार आप ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। डू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।